हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमें सुटेबल अरेंजमेंट से क्या करना है, इसको प्रोडक्ट को करना है। अब क्या हो सकता है सुटेबल, हमें देखना है एक्चुअली कि हमारा जीरो क्या मल्टीप्लाई करके हमारा जीरो आ जाए। अगर मैं यहाँ देखो, 2 का अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 हो जाएगा, बाय 100 का इजी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही हमारा सुटेबल अरेंजमेंट है, 2 × 50 कर देंगे हम, यहाँ × 1768 कर देंगे। अब भाई यहाँ 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये वाला 0 100 मल्टीप्लाई 1768। 1 का आप किसी से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर आता है। और ये क्या है, 2 0 है, ये 2 0 यहाँ लग जाएंगे। ओके, ऐसे हमारे पास ये वाला, ठीक है भाई। 25 4 जो 100 होता, तो हम क्या करेंगे, 4 × 25 × 166, ठीक है। 25 4 जो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू कितना, 166। ओके, अब इसको आप में मल्टीप्लाई करो, आप कितना आ जाएगा, 166 और 2 0 है तो 2 0। ओके, ऐसे हमारा क्या है, यहाँ है। अब यहाँ देखो, 8 × 5 = 40 होता है, इट मीन 0 हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 125 × 8 कर देंगे, × 291। 5 × 8 = 40 होता है, कैरी 4। ओके, 5 × 2 = 16 और 4 = 20, कैरी 2। 8 × 1 = 8 × 2 = 10, 1000 हो गया, × 291। भाई 1 को करो तो 291 ही आएगा, और कितने 0, 1 2 3, तो 1 2 3, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे यहाँ देखो भाई, अब हमारे यहाँ 5 × 6 = 30, 0 मिल रहा है, तो 625 × 16 × 279। देखो अब देखो, 625 × 16, 6 × 5 जो कितना होता है, 30 होता है, कैरी 3। 6 × 2 = 12 और 3 = 15, 6 × 36 = 37, 1 × 5 = 5, 1 × 2 = 2, 1 × 6 = 6, 0 × 5 = 10 0 7 × 9 = 0 3 × 9 = 0, कितना आ रहा, 10000 हो रहा, × 279। भाई इसको करो 1 से, 279 कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, ऐसे हमारा ये हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल ये 285 ऐसे करेंगे, तो 5 × 6 = कितना होता है, 30 हो जाता है, तो 30 कर देंगे इसको, भाई 1 0 तो ये। अब देखो, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 carry 3 = 25, 3 × 2 = 6 और 2 8, और ये 2 0 है, तो 2 0 यहाँ लग जाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ देखेंगे हम, इसमें हमारा क्या करेंगे, इनको यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ करेंगे। तो देखो, 4 × 5 = 20, कैरी 2, 4 × 2 = 8, 2 = 10 हो जाएगा, कैरी 1, 4 × 1 = 4, 1 = 5, और 1 0 ये, तो ये 0, इंटू देखो 8 × 5 = 40, कैरी 4, 8 × 16, 16 × 4 = 20, 11, तो यहाँ 5 × 2 = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितने 0, 1 2 3, 1 2 3, और 2 0 ये, तो 2 0 ये। ओके, तो ये ढंग से हम इसको कर सकते हैं।